सो सो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो वीडियो दिस बाय इलेवन विकेट्स सो विकेट्स एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है जहां पे आप अपना टीम बनाकर पर पहन कर सकते हैं इलेवन विकेट्स अभी प्ले स्टोर में भी आ चुका है तो आप प्ले स्टोर से भी इलेवन विकेट्स को डाउनलोड कर सकते हो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है एंड यहाँ पे करने बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑफर चल रहा है जो की मोबी क्विक ऑफर एंड इस मोबी क्विक ऑफर में आपको काफी बढ़िया कैशबैक मिल सकता है तो यहाँ पे आपको सिंपली यू नो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे ऑफर के सारे टर्म्स एंड डिटेल्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो की

जाएगा ये दे मैच देखा होगा लाइक like, चेन्नई का फर्स्टेशन मतलब चेन्नई के प्लेयर्स का फर्स्टेशन मैं फील कर पा रहा था घर बैठे बैठे कि ये चल क्या रहा है रेफरी को कोई पहले बैठाओ आराम से एक बुक दो फुटबॉल का कि होता क्या है क्या डिसीजन लेना होता है क्या रूल्स रूल पहले कोई समझाए इसको क्योंकि शोल्डर पुस्ट के लिए भी येलो कार्ड दिखाया गया है, जहां पर डायरेक्टली नसर अल अलख्या को लाइक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में उसको लात मारा गया पैर पे बॉल को मारने से ज्यादा अच्छा शायद उड़ीसा के प्लेयर को लगा मैं नसर अल अख्याती के पैर पर मार देता हूं डायरेक्ट और उसके बाद कार्ड मिला अल अलखी को क्योंकि रेफरी को लगा प्ले एक्टिंग चल रहा है एंड वो जेन्य पेनल्टी था नहीं दिया गया चेन्नई को एंड स्टार्टिंग में चेन्नई ने जो लाइक यू नो स्टार्टिंग में एक्चुअली उड़ीसा ने जो गोल किया खेडी गो, मारीसियों का

क्योंकि दोनों टीम के लिए मस्ट विन मैच था एंड ड्रॉ में एंड हुआ है so चेन्नई के लिए बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है क्योंकि उड़ीसा तो अभी ड्रॉ हुआ है तो उड़ीसा सिक्स पोजिशन में जा चुके लेकिन चेन्नई के लिए टॉप सिक्स में जाना काफी मुश्किल होगा आने वाले मैचेस में उनको बहुत कोशिश करना होगा तब जाके कुछ रिजल्ट हो सकता है सो so वो काफी ट्रिके हो गया चेन्नई के लिए बट ओवरऑल तो लाइक यू नो मैच का क्वालिटी लाइक अगे मैं बोल रहा हूँ दोनों टीम ने अच्छा खेला लेकिन रेफरिंग इतना खराब हुआ कि मैच का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गया है लेकिन जिन्होंने मैच नहीं देखा है डेफिनेटली एक बार देखो लाइफ में ऐसे मैचेस देखना चाहिए एक बार एंड अगर वो आज के मैच की बात करें तो आज मैच है केरला वर्सेस ईस्ट बेंगल सी एक टीम जो कि बहुत क्लोज है क्वालिफाई करने के लिए एंड वो कर भी जाएगा एंड दूसरा टीम जिसके लिए बंगाल के नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है सो so केरला नो डाउट इस मैच में अपर हैंड रखते हैं लेकिन इस मैच में भी लाइक यू you नो know, मार्कोलिस को इसको नहीं खिलाया जाएगा एक लाइक लास्ट मैच है जहां पर उनको रेस्ट किया जा रहा है एंड इस शुभन गिल को भी इस मैच में एस ए गोल कीपर नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि उनको बुखार था एंड इस मैच में वो आए भी नहीं है सो उनको इस मैच के लिए भी रेस्ट दिया गया जो कि अच्छा बात है काफी एक तो टैलेंटेड प्लेयर है इंपॉर्टेंट प्लेयर है केरला के तो फ्यूचर में काम में आएंगे तो प्रिजर्व क्या रहे? किया जा रहा है क्योंकि केरला पता है कि वो लोग टॉप टू में तो नहीं जाने वाले तो डायरेक्ट से हैदराबाद और मुंबई सो so, उनका मेन टारगेट है थर्ड से बीच में रहना है को लेकर, and, extent, को लेकर भी अगर गोवा अपना नेक्स्ट मैच नहीं जीत पाता है तो वरना अगर गोवा नेक्स्ट मैच जीत जाता है तो टॉप पांच टीम ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा एंड सिर्फ स्पॉट के लिए उड़ीसा बेंगलोर एंड चेन्नई लड़ाई करेंगे ईस्ट बंगाल भी थोड़ा सा रेस में लेकिन अगर ईस्ट बंगाल को

ठीक है अच्छा है बट आप सी गुरुप्रीत सिंह साधु नो डाउट काफी अच्छे गोलकीपर है एंड मेरे हिसाब uh, से अपना करियर एंड भी बेंगलोर में ही करेंगे 2028 काफ़ी ही ज्यादा लॉन्ग टर्म ये डील हुआ है एंड जब तक 2028 आएगा तब तक तो गुरप्रीत सिंह सांधु का एज कुछ 36 हो जाएगा फिर तो उसके बाद सी गोल कीपर्स का मुझे पता है कि लॉन्गिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है ज्यादा लंबे टाइम तक वो लोग खेल पाते लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये एंड मेनली उसके बाद मेरे हिसाब से मेंटर उनको रखा जा सकता है बैंगलोर में लेकिन सी इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट गोलकीपर्स में से एक ही गुरप्रीत साधू सो रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको एंड काफी कमाल के गोलकीपर है so, सो उम्मीद करते हैं कि यू नो आने वाले सीजंस में भी गुरप्रीत सिंह साधु का परफॉरमेंस बेंगलोर में अच्छा हो सेक्शन so, ए सी एशियन कप को लेकर सो so, ए सी एशियन कप 2027 होस्ट करने वाले सऊदी अरेबिया एंड ये लाइक नो ब्रेनर था मैंने बहुत पहले दो महीना पहले आपको कवर करके बता दिया था कि सऊदी अरेबिया होस्ट करेंगे एशियन कप 2027 क्योंकि वो एकमात्र नेशन है जिन्होंने इस होस्टिंग के लिए बिट किया था इंडिया ने पहले डिसाइड किया था कि वो लोग बिट करेंगे लेकिन उसके बाद उन्होंने बैकऑफ कर लिया मुझे मैं बोलूंगा कि अच्छा है कि पहले इंडिया कुछ साल करें उसके बाद होस्टिंग राइट्स के लिए बिट करे करें फ्री में क्वालिफिकेशन मिलना ये उतना सेंस नहीं बनाता एंड मेरे से वो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर इंडिया खुद से क्वालिफाई करके खेल ले तो वो हमेशा बेटर होता है जब आप खुद से क्वालिफाई करते हो लेकिन सऊदी अरेबिया होस्ट करेंगे 2027 का Cup, and, uh, कि उसमें इंडिया का रहता है, तरफ से सो so, निखिल प्रभु का कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के आ चुका है निखिल प्रभु ने कॉन्ट्रैक्ट साइन uh, किया है जो कि काफी अच्छा मतलब डेढ़ मतलब साल का कॉन्ट्रैक्ट है मतलब 2024 तक निखिल प्रभु एफसी गोवा में रहने वाले एंड सी सेंट्र बैक पोजिशन के प्लेयर है अनवर अली तो वैसे नेक्स्ट सीजन सीजनो एडी मोहन बागान में जा रहे हैं वहां से सुमित राठी आएंगे एंड इनको मेनली बैकअप के लिए रखा जाएगा दिक्कत ये कि लाइक बैकअप फॉरवर्ड प्लेयर या फिर अटैकिंग मिडफील्डर में प्लेयर नहीं है गोवा के पास अब एफ सी गोआ प्लान करे कि यूथ से कुछ प्लेयर्स को पिक करना है लेकिन जस्ट उम्मीद करता हूँ कि वो होल्ड कर ले एंड मोहम्मद नमिल भी है लेकिन थोड़े से इंजर्ड है एंड प्रॉपर शेप में नहीं है तो उनको भी एक और मौका दिया जा सकता है तो निखिल प्रभु मुझे नहीं कि उनको प्ले दो साल बोला था लेकिन अभी कुछ और ज्यादा डिटेल्स आया तो तीन साल का टोटल ने मतलब उदंता सिंह यह काफी बढ़िया चीज है उदंता सिंह का रोल बहुत इंपॉर्टेंसीवल के प्लेयर उदंता सिंह बहुत ही बढ़िया प्लेयर है फॉर्म भी अच्छा चल रहा है काफी टाइम

एब्रबत का एंड 26 एज इनका 35 मिलियन यूरो का बिट किया था बार्सिलोना ने लेकिन सैडली वो साइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाया सो तो बार्सिलोना अभी कोशिश करेंगे कि विंटर ट्रांसफर विंडो में एब्रबत का साइनिंग कंप्लीट किया जाए एब्रबत वर्ल्ड कप के बाद से बहुत पॉपुलर भी हो चुके हैं एंड उनका डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है सो तो देखते हैं क्या फाइनली एब्रबत बार्सिलोना में आते नहीं